तो आप लगातार आप जनता के बीच में जा रहे हो, क्या कुछ लोगों की आवाज है, क्या कुछ लोग बताते हैं कि नरेंद्र गुर्जर का मिशन और विजन क्या है? कोई भी कार्यक्रम आपका होता है, युवाओं की एक मजबूत टीम आपके साथ दिखती है। कहते हो कि समान विकास पूरे हरियाणा का हुआ है जी, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। नमस्कार, आज हमारे साथ खास बातचीत में खास मेहमान जाने पहचाने चेहरे नरेंद्र गुर्जर जी मौजूद हैं, जो आपको बता दें कि पिछले 2019 के चुनाव से लेकर लगातार सक्रिय हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी लोगों की आवाज को सुनते हैं, उठाते हैं और उनका कहीं ना कहीं समाधान भी करवाते हैं। और इस बार भी आपको बता दें कि 2024 के लिए विधानसभा के लिए कहीं ना कहीं तैयारी उन्होंने कर ली है और लगातार जनसंपर्क अभियान वो चलाए हुए हैं। तो इस अभियान को लेकर क्या कुछ उनका कहना है, किस तरह की तैयारी है और किस तरह के मुद्दे लोगों के उठाते हैं, किस तरह की आवाज लोगों की बनते हैं, तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। आइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। तैयारियों का तो ऐसा होता है यादव जी कि ये तो एक रूटीन का काम है, अपने लोगों से मिलना। मैं तो कोई तैयारी नहीं समझता, उनका सुख दुख में उनके साथ आना जाना बैठना और उनके समस्याओं के बारे में जानना, तो ये तो एक हिस्सा है। और एक अगर आदमी सामाजिक जीवन में है या राजनीतिक जीवन में है तो उसका ये उसका काम है, ये उसका बोझ नहीं है जी। तो अपने परिवार के लोगों से, अपने साथियों से, संबंधियों से, दोस्तों से ऐसे मिलते जुलते रहना ही अपना एक रूटीन रहता है। और उसमें मुझे बड़ा सहयोग मिल रहा है सभी साथियों का, रिश्तेदारों का, शहरवासियों का, मेरे बचपन के साथियों का जी। तो इसी तरीके से लगे हुए हैं, अपने शहर की समस्याओं को ढूंढ रहे हैं, जब कभी मौका मिलेगा तो उनको हल करने का और प्रयास करेंगे जी। तो आपके परिवार की अगर बात करें, आपके परिवार की राजनीति भी काफी लंबी थी, लगातार राजनीति उन्होंने की है और 2019 से लगातार 2024 आ गई है, उस टाइम से तैयारी कर रहे हो आप, उस टाइम कहीं ना कहीं आपको टिकट नहीं मिल पाया, यानी मौका नहीं मिल पाया, तो अब लगातार आप जनता के बीच में जा रहे हो, क्या कुछ लोगों की आवाज है, क्या कुछ लोग बताते हैं, किस तरह बातचीत? नहीं, 2019 2014 या 2024 की बात नहीं है, जन्म यही हुआ तो परिवार के लोग भी सक्रिय रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, तो अलग अलग रिश्तेदार भी अपने अलग सारे जो गांव हैं हमारे यहाँ, तो सब में सभी सक्रिय हैं, सभी रिश्तेदार सभी लोग हैं। तो ये तो तैयारी तो जी ठीक है, एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जब संगठन कोई काम देता है, अब कई बारी आज हम यहाँ काम कर रहे हैं, कई बारी फोन आ जाता है कि आपको जलंधर जाना है, आपको पंजाब जाना है, आपको हिमाचल जाना है, तो पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते जहाँ पार्टी कहती है वहाँ काम करते हैं, तो इसी सिलसिले में बस लोगों से मिलना जुलना और पार्टी का जो भी रूटीन का काम होता है वो करते रहते हैं जी। तो कैथल हल्के की बात करें, जैसे गांव की बात करें या शहर की बात करें, कितनी बार आप लोगों से मिल लिए? मैं आपको कह तो रहा हूँ जी, बिल्कुल रोजाना का ही काम है मेरा कि हाँ, रूटीन में सवेरे शाम को शहर में चले गए, समय होते तो गाँव की तरफ निकल गए, अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए जी। तो ये तो एक रूटीन, इसमें तो जब जो व्यक्ति रहता है, मैं यहाँ कैथल रह रहा हूँ तो डेली मिलना जुलना तो होगा ही ना अपने लोगों से, उसमें कोई जरूरी नहीं कि हर वक्त राजनीतिक वार्तालाप ही हो जी। वो तो एक अपने सामाजिक मुद्दे या जो भी हालात हैं देश के, समाज के, किस तरीके से समाज और देश तरक्की कर रहा है, तो ऐसी बातचीत होती रहती है जी। अगर नरेंद्र गुर्जर की बात करें, नरेंद्र गुर्जर का मिशन और विजन क्या है 2024 के लिए? देखिए, 2024 के लिए पिछले 10 सालों में देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे यहाँ पे माननीय मनोहर लाल जी या अभी हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी। हमारा प्रयास था 2014 में जब लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार को चुना था, तो उसके बाद से एक बदलाव के नारे के साथ ही भाजपा ने काम किया। और अगर मैं देखता हूँ जब आज से 10-12 साल पहले जब हम छात्र जीवन से और आगे बढ़ रहे थे, तो उस समय जो सपने थे हमारे दिल में, एक जुनून होता था कि कभी 370 भी टूटेगी, कभी राम मंदिर भी बनेगा, ये एक सपना था हर भारतीय का कि ये काम भी कभी हो सकते हैं। हमसे पहले काफी जब पढ़ते थे तो हमें पता चलता था कि हमारे देश में सिर्फ एक ऐसा हाईवे है जहां पे भारतीय वायुसेना अपना फाइटर जेट उतार सकती है, उड़ा सकती है युद्ध के समय में। और जब आज 10 साल बाद देखते हैं तो एक बड़े लंबी एक ऐसी संख्या है कि जो हम सोचते हैं कि जो हमारे बचपन के या
उस समय के जो सपने थे उनको मोदी जी, मनोहर लाल जी, नायब सैनी जी, हमारी सरकार ने, हमारे संगठन के जो नेता है, सबने मिलकर उनको पूरा करने की एक कोशिश की है। और इसी सिलसिले में अब कैथल अगर शहर की बात करें तो हम कैथल शहर में भी बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं, बहुत सारे होने ही हैं, और आज भी काफी ग्रांटे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैथल की विधानसभा के लिए, कैथल के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए दी हैं। तो काफी कुछ हो चुका है, काफी कुछ होना बाकी है। उसके लिए हम तीसरी बारी जनता के बीच में जा रहे हैं कि तीसरी बारी जनता हमें मौका दे, भारतीय जनता पार्टी को, और हम जो हमारे काम अभी एक कंटिन्यूटी में है, जो लगातार चल रहे हैं, वो और आगे स्पीड से बढ़ा सके। तो नरेंद्र जी बात कर लेते हैं 2019 में आपकी टिकट कटने के क्या कारण रहे, और अब 2024 की बात करें, सर्वे में कहीं ना कहीं आपका नाम है। देखिए यादव जी, आप जो मतलब ये कहते हो कि टिकट कटना, मैं उसको दूसरे तरीके से लेता हूँ। ये टिकट कटना नहीं होता, टिकट मिलना होता है। टिकट तो एक आदमी को ही मिलता है। आपकी तो कटी ना? नहीं, वो मेरी कटी नहीं, वो उनको मिली। कटी तो मेरी जब थी, मतलब जब मैं होता, मैं विधायक होता और तब मेरी कटती, मतलब हाँ तब कटती ना, कटती तब है जब मौके पे हो और वो ना मिले, मतलब शुरुआत है। हाँ, तो मैं तो अभी तक एक, हम तो अभी प्रयास कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो कोई भी कार्यक्रम आपका होता है, युवाओं की एक मजबूत टीम आपके साथ दिखती है। देखिए, मैं शुरू से छात्र राजनीति में चंडीगढ़ में बड़े लंबे समय से हम रहे, और एक वहाँ संगठन हमने बनाया, वो आज तक भी नए नए लोग, नए नए युवा उसको संभाल रहे हैं, उसको चला रहे हैं। उसके बाद मैं जब भाजपा कार्यकर्ता हो गया तो मैं अपना सारा समय मेरा भाजपा के काम में ही लगे रहता है। तो उनके माध्यम से वो लोग मिलते रहते हैं, उनसे बातचीत होती रहती है, तो उनसे डिस्कशन का यही रहता है कि मैं उनके अंदर अपने आप को देखता हूँ कि 20 साल पहले, आज मैं 38 का हूँ, तो 18 साल की उम्र में मेरी क्या सोच थी, मुझे क्या करना था, मैं कहाँ तक पहुँच पाया और कहाँ तक मुझे जाना है। तो उनसे एक युवाओं से हमेशा ऊर्जा मिलती है और उनका जोश देख के खुद के अंदर भी जोश आता है। और मैं आज भी 3-4 गांव में सवेरे से जाके आया हूँ। आज कारगिल दिवस के मौके पे गांव मानस में, वहां के मंदिर डेरे में, वहां महाराज जी के पास एक पौधा भी लगाया, जिस जो शहीदों के नाम से हमने वहां लगाया, युवा साथियों ने वहां बुलाए थे। क्योंकि मैं युवाओं से अक्सर यही बात करता हूँ कि जब भी आपने अपना आइकॉन देखना है, आजकल थोड़ी समस्या भी है समाज में कि युवा अपना आइकॉन किसको देखते हैं, तो मेरी एक ही अपील है युवाओं से, अपना आइकॉन एक हमेशा एक फौजी को देखें, किस तरीके से वो अपने जीवन का बलिदान देके अपने देश की रक्षा करता है, हम सब की रक्षा करता है। तो हमारा जो यूथ आइकॉन होना चाहिए वो एक बलिदानी होना चाहिए, ना कि कोई ऐसा व्यक्ति जो गलत रास्ते पे आपको लेके जाए। अब कैथल हलके के विकास की बात कर लेते हैं। पिछले 5 साल से आपकी पार्टी यानी भाजपा का विधायक कैथल हलके में है, तो क्या कुछ काम विकास के आप मानते हो कि विकास कैथल में ही विकास हुआ है, और क्या कुछ काम आप मानते हो कि ये पेंडिंग रहेगा? कैथल में विकास खूब हुआ है, कैथल में विकास की कोई ऐसी कमी नहीं रही। लेकिन अब जो मुझे एक, जो मैं अभी पीछे भी अपने सांसद जिंदल साहब के साथ हम सब लोग ये घूम रहे थे, उस दिन भी यही चर्चा थी कि अब समस्या गांव में जो सबसे बड़ी समस्या वो निकासी की होती जा रही है, पानी निकासी। हाँ, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है और हर घर में पाइपलाइन पानी पहुंचने की वजह से उसका यूज भी ज्यादा होता है, तो बाकी बाढ़ में मतलब बरसातों के समय और तो एक वो बड़ी समस्या बनती जा रही है। ऐसी समस्याओं को और अभी सोल्व करना है, क्योंकि स्पीड देखो, सरकारों की पॉलिसी और स्पीड दो चीजें मैटर करती हैं विकास के लिए। एक कांग्रेस के टाइम में क्या था, 1960 में उद्घाटन हो गया, आज तक बना ही नहीं। और नरेंद्र मोदी जी ने जो चीज, या हमारी हरियाणा की सरकार ने जो चीज का उद्घाटन किया उसका शिलान्यास भी किया, तो इस तरीके से काफी स्पीड से हमने काम किया है और इसी स्पीड को बरकरार रखने की अभी जरूरत है। और विभिन्न क्षेत्रों में जो सुधार हमारी सरकार ने किए हैं, भाजपा की सरकार ने किए हैं, उसका जनता के बीच में प्रभाव भी है। आज गरीब आदमी को एक बात पता है कि आपके द्वार पे जो चीजें पहुंची हैं, चाहे वो नौकरी हो या आयुष्मान कार्ड की वजह से आपके जो इलाज है वो सुविधा हो, बैंक खाते हो, ये सारी चीजें आज जनता के पास खुद चल के पहुंची हैं। इसमें पोर्टल की व्यवस्था की गई और अन्य व्यवस्थाएं की गई, तो वो सारी व्यवस्था उनमें गरीब लोगों के लिए बहुत सी चीजें जो है सरल की गई हैं,
और उनके जीवन को और अच्छा बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से लोगों तक सरकार पहुंची है और लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ सुधार हुआ है। जी, तो आप कहते हो कि समान विकास पूरे हरियाणा का हुआ है। जी, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। अगर अब भी बात करें तो हरियाणा मांगे हिसाब के नाम से कहीं ना कहीं कांग्रेस जो यात्रा निकाल रही है। देखिये, विपक्ष का काम सरकार की खिलाफत करना ही होता है। विपक्ष कभी ये तो कहेगा नहीं कि नई सरकार ने ये फैसला बहुत अच्छा किया, हम इसके साथ है। वो विपक्ष तो देखिए, उनकी तो हालात ये तो छोड़ दीजिए आप। नहीं, अगर समान विकास होता तो ये यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती विपक्ष को। नहीं तो विपक्ष क्या करेगा फिर? अगर आप ये मानिए, क्या सरकार की तारीफ करेगा विपक्ष? ये विपक्ष का काम है ये तो। आप हमें छोड़िए, चलो हम तो एक लोकतंत्र में चुनाव जीत के सरकार चला रहे हैं। इन्होंने तो देश की सेना से हिसाब मांग लिया था, इन्होंने तो देश की सेना से ही पूछ लिया था, बताओ कहां आपने बम गिराए, बताओ कहां सर्जिकल स्ट्राइक करी, बताओ कहां से आरडीएक्स आया। तो जब ये देश की सेना, जिसके लिए हर माँ अपने बच्चे को जहां भेज के गर्व महसूस करती है, शहीद होने के बाद भी गर्व महसूस करती है, उस सेना पे भी ये हिसाब मांग लेते हैं, तो ये हम तो एक राजनीतिक दल है, हमसे तो ये मांगेंगे, मांगते रहे। जनता ने इस फैसला करना है, इसमें इनका तो मैं मानता नहीं कि ये तो अपने आप को एक अपने बेटे के लिए एक बाप का प्रयास है, तो सभी करते हैं। तो अंत में आपकी कैथल हलके की जनता को क्या कुछ अपील रही? मेरी कैथल की जनता को यही अपील है कि आप, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, हम सब लोग आपकी सेवा के लिए हैं। चाहे वो कोई भी कैंडिडेट आपके पास आए, आपने तय करना है कि आपने किसको आगे बढ़ाना है। ये मैं तय नहीं करता, मतलब या कोई और तय नहीं करता, ये युवा तय करता है। और ये युवा का ही काम है और लोगों का काम है कि वो किसको चुनेंगे। एक लाइन है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो मेरा जवानों से ये अपील है कि आप अपने आप को मजबूत कीजिए, अपने भाई को मजबूत कीजिए, ताकि हम कैथल विधानसभा के लिए अपने आप को मजबूत तरीके से पार्टी के सामने रख सकें, और उसके बाद जब विधानसभा पहुंचे तो आपकी आवाज को पूरी बुलंदी और ताकत के साथ विधानसभा में पहुंचा सकें। जी, तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत में खास मेहमान नरेंद्र गुर्जर जी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह मैसेज पहुंच सके।